हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरे पास एक सेंट्रो गाड़ी आया हुआ है, तो उसका जो अपना प्रेशर स्विच रहता है ना, उसमें से अंदर से लीकेज हो रहा है इसके अंदर से। तो अब ये इसका प्रेशर स्विच अगर लीकेज रहा तो अब इसको कैसे क्या करे, मैं इस वीडियो के जरिए आपको बताऊँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो के साथ बने रहे। तो सबसे पहले अगर देखिए प्रेशर स्विच, ये गाड़ी को ज़्यादातर आमतौर पर मिलता नहीं है, तो इसको और एक ऑप्शन है जो जो इसका मदद से देखो, ये उस जगह पे प्रेशर स्विच के जगह पे ये डाल के, और प्रेशर स्विच आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे करते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो के साथ बने रहे। देखो ये प्रेशर स्विच अंदर से लीकेज था, इसीलिए मैंने निकाल के और इसका जो ये रहता है ना 13 नंबर का बीट, वो लगा के उसको कस दूंगा, टाइट मार दूंगा अच्छे से। एक बार अगर ऐसे अच्छे से टाइट हो गया, और ध्यान रखना कि उसके अंदर जो ओरिंग रहता है ना, ओरिंग डालना ज़रूरी है, नहीं तो वो लीकेज कर जाएगा। और कौन सा भी जो जो टूल उसको लगता है, वो टूल की मदद से उसको टाइट कर दीजिए। ये प्रेशर स्विच आपको दो वायर, जो वायर रहता है ना, दो वायर उसको कट करके आप एक साथ जॉइंट करके डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। और जो ये पाइप है, वो पाइप लगा के गैस मारने का डायरेक्ट। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो पर।